हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल जी के एजुकेशन में। देखे फ्रेंड, केबीसी की ग्राउंड ऑडिशन में जब आप लोग जाएंगे वहां पर, तो दोस्तों जाने के बाद आप लोग गेट पर अंदर होंगे, तब आप लोग को एक बुकलेट फॉर्म दिया जाएगा, जिसको दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल शीट कहा जाता है। दोस्तों आप लोग उस बुकलेट फॉर्म का अपने बारे में पूरा डिटेल्स में लिखना होगा, भरना होगा दोस्तों फॉर्म को। तो आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग बुकलेट फॉर्म को कैसे भरें और आप लोग कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को फुल प्रोसेस के साथ बताने वाले दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देर के तो वीडियो को शुरू करते हैं। उनसे पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दिख रही है उसको ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए बुकलेट फॉर्म को दिखा देते हैं आप लोग। तो देख सकते हो दोस्तों, बुकलेट फॉर्म पर आ गए हम, और ये देख सकते हो दोस्तों कौन बनाए गणपति के 2022 के दोस्तों सीजन 14 का ये दोस्तों कौन बनाए गणपति के बुकलेट फॉर्म है, जिसको दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल शीट भी कहा जाता है। तो इस फॉर्म को आप लोगों को कैसे फिलअप करना है, चलिए आप लोगों को दिखा देते। और देखिए ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन शायद चेंज हो सकता है इस बार, लेकिन दोस्तों हूबहू आप लोग को मिलेंगे, कुछ कुछ चेंज हो सकता है। तो चलिए पूरा फिलअप करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है नाम, तो पहले दोस्तों आप लोगों को नाम यहाँ पर एंटर करना है, एंटर कर देना है पहले नाम। फिर देखिए यहाँ पर घर का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अपना घर का नाम दे दोस्तों आपको देना है, जो कि निक नेम है उसको तो देना है दोस्तों, यदि है तो आप लोग दीजिए, ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए तीन नंबर पर देख सकते हैं आप लोग डेट ऑफ बर्थ दिया है, जन्म तिथि आपको देना है दोस्तों, जो आपने सोनी लिप पर दिया होगा दोस्तों वही आप लोग को एंटर करना है। जो डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम और सोनी लिप पर, आप लोग एक बार चेक करके देख ही लीजिए आप लोग कौन सा एंटर किया है, वही दोस्तों आप लोग यहाँ पर देना है एज। चलिए अब नेक्स्ट देखिए लिंग दिया हुआ है पुरुष के लिए दोस्तों, ये मेल पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा राइट चिन्ह दीजिए और फिर स्त्री के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और अन्य के लिए यहाँ पर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए वैवाहिक स्थिति, और विवाहित होने के लिए दोस्तों आप लोग अनमैरिड है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, विवाहित है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और तलाकशुदा है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, विधवा है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करें, लव मैरिज है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। चलिए देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर शादी की तारीख भी देना है दोस्तों आप लोगों को, सही से इंटर करें, जो डेट है वही आपको इंटर करना है। चलिए यहाँ पर देखिए पैसा और पद, पैसा और पद आप लोगों का क्या पैसा है यहाँ पर देना है, पद क्या है वो भी देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेपर प्रकार, व्यापार का क्या प्रकार है यहाँ पर आपको देना है। कार्य की संख्या, आप लोगों का कार्य की संख्या क्या है यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ देखिए मासिक आय, मासिक आय आपको देना है दोस्तों, मासिक आय इनकम कितनी है ये आपको देना है, मंथली इनकम। फिर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका शैक्षिक योग्यता क्या है यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखिए क्लू स्कूल और कॉलेज का नाम, यहाँ पर आप लोग कौन सी कॉलेज में पढ़े हुए या दोस्तों स्कूल में पढ़े हुए इसका नाम देना है पूरा। यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर ईमेल देना है, यहाँ पर मूल निवास स्थान देना है, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस देना है। यदि आप लोग पहले कोई एड्रेस में रहते हो और अभी कुछ एड्रेस में रहते हो तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस देना है, और यदि पहले आप लोग कौन दोस्तों ओरिजिनल मूल निवास में रहते हो तो उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए नीचे में देख सकते हो मातृभाषा दिया हुआ है, यहाँ पर मातृभाषा जो भी है दोस्तों आप लोग को देना है। फिर देखिए अन्य भाषा, आप लोग क्या और लैंग्वेज जानते हो यहाँ पर आपको जाना देना है दोस्तों। जैसे कि यदि आप लोगों का मातृभाषा हिंदी है और आप लोग यदि मराठी भी जानते हो तो यहाँ पर दे देना है, इंग्लिश जानते हो तो इंग्लिश दे देना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, साथ रहने वाले परिवार के सदस्य संख्या, देखिए साथ जो रहते हैं आपके पास तो उसका संख्या क्या है। देखिए आप लोग ज्वाइंट रहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, एकल परिवार के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। रिलेशनशिप आपको देना है दोस्तों, यहाँ पर पूरा नाम दीजिए, देखिए पति पत्नी की नाम दीजिए, यहाँ पर उम्र दीजिए, व्यवसाय दीजिए, मासिक आय दीजिए, फादर का नाम दीजिए, अन्य एज दीजिए और एक्सपर्ट दीजिए, व्यवसाय दीजिए, मंथली इनकम दीजिए यहाँ पर, ऐसे करके आप लोग पूरा दीजिए दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन का नाम और एज दीजिए, आपके बच्चे के नाम और उम्र यदि है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जिनका शादी नहीं हुआ तो उसका बच्चा कहाँ रहेगा
तो ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जिसका है वही दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर प्लीज़ मेंशन KPI जानकारी भी दे। तो देखिए यदि आप लोगों का फेसबुक अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, उस इंस्टाग्राम है तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ट्विटर है तो यहाँ पर आपको विवरण दे देना है। और यदि इससे अलावा यदि आप लोगों का कोई दोस्तों दूसरा ID है सोशल मीडिया पर तो आप लोग यहाँ पर क्लिक दीजिए दोस्तों। चलिए आप देख सकते हो दोस्तों राज्य प्रांत के किन्हें 3 पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताइए। तो अपने राज्यों के किन 3 पसंदीदा चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर आपको देना है। नेक्स्ट देखिए यदि हम पर्यटन स्वरूप में आपके राज्य में प्रांत घूमने आते हैं तो आप दूर ग्राउंड के तौर पर ऐसे कौन सी 3 अनोखे जगह की शेयर करवाएंगे, तो यहाँ पर आपको देना है दोस्तों। आप लोगों का कौन सा पॉपुलर है अपने राज्य में तो आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। फिर देख सकते हैं दोस्तों अपने राज्य प्रांतीय शहरों कुछ अनोखे राज के बारे में बताइए जो किसी को नहीं पता है। तो जो दोस्तों आप लोगों का राज्य में अनोखा चीज़ है दोस्तों वो आपको देना है, अनोखा चीज़ जैसे लोक साहित्य तो कोई भी है दोस्तों आपको यहाँ पर देना है। पर्यटन के लिए जो भी आप लोगों का पसंदीदा है दोस्तों आप लोग यहाँ पर दीजिए, जो जानते नहीं है कोई दोस्तों वहाँ पर। देखिए आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कौन सा पथा पालन करते हैं यहाँ पर देना है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्या आपने आपके परिवार किसी सदस्य के पहले कभी KBC में शो के लिए भाग लिया है, यदि हाँ तो हाँ दीजिए दोस्तों, यदि नहीं तो नहीं दीजिए। यदि आपके परिवार में कोई भी दोस्तों आप लोग KBC में भाग लिया है तो आप लोग का हाँ देना है, नहीं तो नो दीजिए। यदि हाँ है तो आपका यहाँ पर नाम देना है, बस देना है, रिलेशनशिप देना है और कितने अमाउंट जीते थे यहाँ पर दे देना है। फिर देखिए यहाँ पर कॉलेज में पढ़े विषय पढ़े हुए वो आपको देना है दोस्तों। फिर देखिए फेवरेट सब्जेक्ट, आपने कॉलेज में या स्कूल में कौन सा फेवरेट था, पसंदीदा विषय था यहाँ पर आपको देना है। देखिए हॉबीज आपको यहाँ पर रुचि आपका क्या है यहाँ पर मेंशन कर देना है। यहाँ पर देखिए स्पोर्ट प्लेट इंटरेस्ट अपने जो खेले जिन खेलों में आपकी रुचि है, तो दोस्तों आप लोगों को कौन से खेल पसंद है, क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी जो भी है दोस्तों आपको यहाँ मेंशन कर देना है। नेक्स्ट देखिए आपकी पसंदीदा खेल, देखिए आपका पसंदीदा खेल आपको देना है यहाँ पर जो देखते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए आपके पसंदीदा फिल्में कौन से अच्छे लगते हैं दोस्तों, कौन से फिल्म अच्छे लगते हैं जैसे शोले हो गया, कोई भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप लोग को दे देना है। एनी फेवरेट एक्टर, आपके पसंदीदा अभिनेत्री और अभिनेत्री जो भी है दोस्तों आप लोग को दे देना है, अभिनेता हो या अभिनेत्री जो भी है आप लोग को दे देना है। देखिए आप किस तरह के संगीत पसंद करते हैं, आप लोग कौन सी संगीत पसंद करते हैं, सैड सॉन्ग या दोस्तों आप लोगों को लव सॉन्ग्स, कौन सी सॉन्ग आप लोगों को पसंद आता है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। नीचे देख सकते हैं पसंदीदा किताबें, आप लोगों को कौन सा किताब पसंद आती है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो सोच समझ के आप लोगों को फिलअप करना है। और देखिए नेक्स्ट दिया हुआ पसंदीदा TV कार्यक्रम, देखिए पसंदीदा TV शो कौन से आप लोग पसंद है, Sony TV या Zee News आप लोगों को कौन सा पसंद है आपको यहाँ पर देना है। देखिए विच द न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप कौन से अखबार पढ़ते हैं, देखिए आप लोग कौन सा अखबार पढ़ते हैं, दैनिक जागरण या प्रभात खबर कोई भी है दोस्तों आप लोग को यहाँ पर देना है। देखिए क्या आप समाचार के लिए TV या रेडियो इस्तेमाल करते हैं, कौन सा न्यूज और कौन सा रेडियो चैनल, जो दोस्तों आप लोग न्यूज देखते हो Zee News या दोस्तों India TV या आज तक कोई भी हो तो आप लोग यहाँ पर मैंसन कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या आपने किसी क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है स्कूल कॉलेज में, यदि हाँ तो बताइए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर यदि आप लोग कोई स्कूल या कॉलेज में आप लोग प्रतिभागी बने हुए दोस्तों प्रतियोगिता में कोई क्विज शो में आप लोग भाग लिए तो आप लोग को यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या आपने कभी किसी TV शो में गेम शो में भाग लिया है, यदि हाँ तो शो को बताइए और वर्ष बताइए। देखिए यदि आपने कभी किसी शो में यदि आप लोग TV शो में आप लोग यदि भाग लिए तो उसका दोस्तों डेट लिखिए, वर्ष दीजिए और शो के नाम दीजिए यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए मोबाइल इंटरनेट पर आप ज़्यादातर समय क्या करते हैं, आमतौर पर आप किस तरह के वेबसाइट ऐप पर जाते हैं। देखिए आप लोग यदि किस वेबसाइट पर आप लोग मोबाइल व इंटरनेट को ज़्यादातर
यूज करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया, दोस्तों आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट देखिए, तीन चीज़ें आपको अपने बारे में पसंद नापसंद बताइए। देखिए आपके बारे में बताइए दोस्तों, पसंद और नापसंद आपको बताना है। देखिए यहाँ पर पसंद बारे में बताना होगा तीन चीज़ें, और यहाँ पर नापसंद आपको तीन चीज़ें बताना होगा। जो आपको पसंद है वो दोस्तों बताइए, वो नापसंद आपको बताना होगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप अपने बारे में किसी चीज़ को बदलना चाहेंगे तो कौन सी चीज़ होगी और क्यों। यदि आप लोग अपने किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर आपको देना है। तो ये दोस्तों मेंशन कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप हमें अपने बारे में और बताए चाहेंगे, कोई भी नहीं जानता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीन चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। देखिए यदि आप लोग किसी चीज़ को आप लोग कामयाब पाना चाहते हो तो उन तीन चीज़ों के बारे में बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आपके जीवन का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा। देखिए आपके जीवन में सबसे अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर देखिए हम नेक्स्ट पे देखिए, किसी अद्भुत या हास्यपन घटना का वर्णन कीजिए जो आपके साथ घटित हुए। जो दोस्तों आप लोग का हंसी आ जाए सभी को, ऐसा आप लोगों को यदि कभी हुआ है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। यहाँ पर देखिए, प्यार में सबसे ज़्यादातर पल, यदि आप लोग का प्यार में सबसे ज़्यादा पल आपको मेंशन करना है दोस्तों। अगर आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी हटा दी जाए तो आप कौन सी एक खास चीज़ जो आप करना चाहेंगे, यहाँ पर देना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, कितनी धनराशि जीतने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और बदलाव क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है दोस्तों। आप लोग का धनराशि कितनी जीतने से आप लोगों का दोस्तों बदलाव आ जाएगी, तो ये इतना अमाउंट आप लोग डालिएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देखिए, केबीसी के मंच पर आने के बाद आपकी ज़िंदगी क्या बदलाव आएगी, तो यहाँ पर देखिए केबीसी के मंच पर आपको ज़िंदगी क्या बदलाव आएगी, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मैं 100 के नियमित शर्तों अनुसार 100 में भाग लेने के लिए सहमत हूँ और सहमत कि इस फॉर्म को दी गई सभी जानकारी उपयोग 100 में किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप लोग बॉक्स देख सकते हो, बॉक्स यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसको क्लिक कर देना है। बॉक्स को क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आ जाना है। नीचे पर आप लोग देख सकते हैं, एक और बॉक्स दिख रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इन फॉर्म को दी गई और अन्यथा 100 के उद्देश्य के लिए मेरे द्वारा प्रदान की गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह स्टोरेज उपयोग प्रसारण के लिए अनुमति देता हूँ, तो यहाँ पर भी क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, अपना नाम देना है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर भी फुल नाम देना है, पूरा आपको देना है। फिर यहाँ पर डेट दे देना है, जिस तारीख पर आप लोगों का ऑडिशन है उसी डेट को आपको देना है दोस्तों। और आपको प्लस दे देना है, जो प्लस में आप लोग हैं उस प्लस को दे देना है। तो दोस्तों ये थे कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल से पूरा फॉर्म, आप लोग को ऐसे आप लोग को फिलअप करना है। फोटो चिपकाने के लिए दोस्तों यहाँ पर खाली दिया हुआ है, इसको दोस्तों आपको फिलअप कर देना है। इसको दोस्तों यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपका देना है। तो आपको दोस्तों कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल सीट आपको भरना है दोस्तों। ये कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल से आपके डिटेल्स पूछा जाए, यही से दोस्तों आप लोग को इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से ज़रूर भरें। आप लोग गलती ना करें दोस्तों, जो आप लोग यहाँ पर भरे होंगे दोस्तों वही आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो सेम मिलना चाहिए तभी दोस्तों आप लोग को इंटरव्यू में पास होंगे। तो आप लोग ध्यान से जरूर भरे ये दोस्तों कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल सीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और दोस्तों आप लोग ये दोस्तों कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल सीट आप लोग कैसे डाउनलोड करें फ्री में, तो आप लोग को बता देते दोस्तों, आप लोग हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर दोस्तों कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल सीट को अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हमारे टेलीग्राम पर लिख कर दोस्तों आप लोग टारगेट ऑल जीके एजुकेशन लिख कर दोस्तों आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के बाद दोस्तों वहां पर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल सीट को आप लोग डाउनलोड करके दोस्तों आप लोग देख सकते हो। तो 2023 का दोस्तों आपको कॉन्टेस्टेड प्रोफाइल सीट दिया जाएगा वहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन में, जब आप लोग इंटर करेंगे तभी आप लोग को ये प्रोफाइल सीट दिया जाएगा। तो आपको दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, देखिए आधार कार्ड ले जाना है, फ़ोन का बिल ले जाना है। यदि आप लोग का फ़ोन का बिल नहीं है तो दोस्तों आप लोग को
उनका दोस्तों जिसका नाम पर फोन बिल है उसका दोस्तों आधार कार्ड ले जाना है और 2 से 3 कॉपी आपको फोटो कॉपी ले जाना है और सभी डॉक्यूमेंट का दोस्तों जेरॉक्स कॉपी भी ले जाना है सेल्फ अटेस्टेड के साथ। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये दोस्तों पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से दोस्तों के बीच वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी सत्यों का टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।